देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है। अगर मुद्दा अगर में बात करेंगे हम चुनावी बॉन्ड को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर। केंद्र सरकार हालांकि चुनावी बॉन्ड के बारे में उसका खुलासा करने से रोकने की अपील करती रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए साफ कर दिया कि राजनीतिक पार्टियों को बॉन्ड से आने वाले पैसे का पूरा हिसाब देना पड़ेगा। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी पैसा आएगा, जो भी पार्टी जो व्यक्ति विशेष पैसा देगा उसका बॉन्ड में नाम भी उल्लेखित होगा, जो कंपनी पैसे देगी उसका भी नाम उल्लेखित होगा। इससे पहले ये सब कुछ गुप्त हुआ करते थे और इस फैसले के बाद में राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो चुनावी पैसा बॉन्ड के माध्यम से आ रहा था पता नहीं लग पा रहा था कि कितना पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। इन्हीं सब तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है A1 टीवी के प्रधान संपादक, चैनल हेड, राजनीतिक विशेषज्ञ अनिल लोढ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम चंद भंडारी जी हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के वकील हैं, आप पार्टी के नेता भी हैं। पूनम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सर, बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्या लगता है राजनीतिक पार्टियों के सामने जो बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा आ रहा था, 1,000, 10,000, लाख और 10 लाख तक के जो बॉन्ड जारी किए थे उसके माध्यम से पैसा आ रहा था, और लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 95% पैसा जो सत्ताधारी दल है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को, 7 करोड़ अन्य पार्टियों को, यानी 222 करोड़ रुपये अब तक जो मिला बॉन्ड के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी को मिला, 5 करोड़ रुपये कांग्रेस पार्टी को और 7 करोड़ रुपये पूरी अन्य पार्टियों को मिलाकर। तो कहीं ना कहीं इस जो बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो राजनीतिक दलों के लिए कहीं ना कहीं झटका है जी। देश में चुनावी चंदा, राजनीतिक चंदा भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली सबसे प्रमुख स्रोत है। चुनाव में जब भी चंदा लेने जाते हो आप, लोग मुट्ठी पढ़ के यूं पकड़ा देते थे, अनअकाउंटेड मनी एंड अनअकाउंटेड इनकम अनअकाउंटेड एक्सपेंडिचर। चुनाव आयोग ने लाख सीमाएं बांध दी हो चुनाव में खर्च की। मैं दावे से कह सकता हूं पार्षद से लेकर और बड़ी से बड़ी संसद का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला जो जीता है वो ये नहीं कह सकता, शपथ पत्र कुछ भी दो पर जितना पैसा उसने शपथ पत्र में लिखा उतने ही पैसे को खर्च करके चुनाव जीता, कोई नहीं कह सकता। खर्चा कई गुना ज़्यादा होता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठकर ये खर्चा शामिल करेंगे, ये नहीं करेंगे और तमाम तरह की गंदगी, भ्रष्टाचार, शराब पिलाना, पैसे वोट के लिए पैसे देना, ये सब काम जब होते हैं वो अनअकाउंटेड मनी से होते हैं। इसको सिस्टमेटिक करने के लिए, क्योंकि ये जो अनअकाउंटेड मनी आदमी देता है वो फिर राज आने के बबाद वो फायदे उठाता है। मैंने करोड़ रुपए दिया, 10 करोड़ का फायदा उठाऊंगा सरकार आने पर, उस MLA से, उस MP से, उस मंत्री से वापस लेता हूँ रिटर्न, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है लोगों का, ठीक है ना। जब तक इस राजनीतिक चंदे को, चुनावी चंदे को लेजिटिमेट नहीं किया सकता, वैधानिक तरीके से नहीं किया सकता, देश में भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। कोई कह दे, चाहे चौकीदार भी कह दे और चाहे नामदार भी कह दे, चाहे कामदार भी कह दे, कोई कह दे, ये राजनीतिक चंदा व्यवस्थित, पारदर्शी और लेजिटिमेट, वैधानिक तरीके से दिया जाए, इसका सिस्टम डेवलप होना चाहिए भारत जैसे देश में। बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी अभी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है, 2 नंबर की पैरेलल इकोनॉमी चलती है जिसको कि कंट्रोल करने की काफ़ी कोशिश की जा रही पर वो हो भी नहीं पा रही। तो मेरा कहना ये है कि ये जो बॉन्ड लाए गए थे इस नाम पर लाए गए थे कि चुनावी चंदा पारदर्शी बनाएंगे कि आप बॉन्ड लो, और विपक्षी दलों को खासतौर पर बड़ा डर था कि हमें पैसे देने वाला एक्सपोज अगर होगा, चेक से देगा चंदा, तो सत्तारूढ़ पार्टी वर्तमान में भी और भविष्य में दोबारा अगर सत्ता में आ गई तो उसको रौंद देगी, कुचल देगी, उसके इंटरेस्ट मारे जाएंगे। इसलिए भाई अननोन हाथ से आ गया बॉन्ड, किसने खरीदा और किसने दे दिया पता नहीं चला, ठीक है, गुप्तदान हो गया एक तरह, गुप्तदान की तरह। परंतु न तो चंदा चुनावी बॉन्ड तक सीमित रहा है और न ही चुनावी बॉन्ड में सब कुछ पारदर्शी हो पाया, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि 15 मई तक जो चंदा आएगा बॉन्ड के जरिए
उसका खुलासा चुनाव आयोग के समक्ष कम से कम करना पड़ेगा 30 मई तक। जी बिल्कुल भंडारी जी, ये एक बड़ा फैसला है एक तरह से, क्योंकि जो चुनावी चंदा राजनीतिक दलों को कहीं ना कहीं से आता था और बॉन्ड के नाम से भी जो चंदा मिल रहा था उसमें किसी नाम का खुलासा नहीं हो रहा था अब तक, लेकिन अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि अब तो उसकी पार्टी का नाम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड किसने खरीदा है, कौन सी कंपनी ने खरीदा है, कितने का बॉन्ड खरीदा, सारा सब कुछ हिसाब किताब लेखा जोखा उसमें होगा, चुनाव आयोग के समक्ष वो पेश करना होगा। आपको लगता है राजनीतिक पार्टियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा भंडारी जी, क्योंकि पैसा तो बहुत चुनाव में खर्च हो रहा है, चुनाव आयोग ने सीमाएं बहुत बांध दी है, लेकिन उन सीमाओं में रहकर कोई भी राजनीतिक पार्टी भले ही सत्ताधारी हो चाहे विपक्ष के लोग हो, कोई भी उन सीमाओं का पालन मुझे लगता नहीं है कर पाता है, उन सीमाओं से परे जाकर ही उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह की चुनावी सभाएं हो रही है, जिस तरह के पंडाल तैयार हो रहे हैं, मुझे लगता है जो चुनाव आयोग ने सीमाएं बांध रखी है वो तो एक प्रत्याशी के लिए एक या दो सभाओं में ही पंडाल बनाने में खर्च हो जाता होगा। देखिए लोढ़ा साहब ने सही कहा है, आज तक में अगर कोई किसी को चुनाव लड़ना है एमपी का तो 5-10 करोड़ रुपए खर्च के मैं लड़ सकता चुनाव, वो चाहे कुछ भी कर ले, कहता ईमानदार काम करे, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां जो बता रहे हो खर्चा करना, इतने कार्यकर्ता होते हैं ये। अब इस देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा लोगों को रह गया है कि न्यायालय से कोई न्याय मिल सकता है, क्योंकि बाकी तो सारी जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं बिल्कुल किसी काम की रही नहीं हैं। अब जेटली जी बॉन्ड लाए थे ताकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, व्यापारी हैं, बड़े घराने हैं, वो अपने यहाँ तो शो कर सकते हैं और बाकी कहाँ जा रहा है पैसा ये पता नहीं पड़ेगा ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर कर दिया ये कि नहीं बताएं पर किससे तो लिया और किसको दे रहे हैं ये बताना पड़ेगा। अब 222 करोड़ रुपये भाजपा के पास आ गए, कांग्रेस के पास आ गए, ये पैसे किसने दिए हैं ये पता पड़ जाएगा और उससे मालूम पड़ेगा कि किन भ्रष्ट लोगों ने पैसा दिया है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देते हैं भ्रष्ट लोग ही देते हैं, ये ईमानदारी से काम करने वाला तो पैसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो सोच पहले थी कि हम चंदा दें उन लोगों को जो अच्छी राजनीतिक पार्टी हो, अच्छे लोगों को चंदा उनको दें, पहले ये सोच थी तो देते थे वो, अब जो सोच बदल गई है अब तो मेरे व्यापार को कौन बढ़ाएगा, जो मैं पॉलिसी चाहता हूँ वो पॉलिसी तय कर दोगे आप जीतने के बाद में, कितना पैसा चाहिए आप ले लीजिए, चाहे विजय माल्या हो चाहे कोई और माल्या हो कोई भी हो, वो आजकल बदल गया है कि ये मेरी पॉलिसी, मुझे मार्बल मंगाना है ये पॉलिसी आप बना दोगे तो आप बताइए कितना पैसा ये, तो वो पैसा देने के लिए इस तरह से पैसा देते थे ताकि पब्लिक को नहीं मालूम पड़े, ये वही लोग हैं जिनके खाते जो बैड डेब्ट जा रहे हैं वही लोग चंदा दिया करते हैं और वही पैसे कमाते ही है। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये है, ये बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया ये। अब मैं कह रहा हूँ चुनाव आयोग को भी चाहिए कि जब उनके पास इन्फॉर्मेशन आए उस इन्फॉर्मेशन को वो सार्वजनिक करें किस किस ने दिया है, ताकि ये मालूम पड़ सके कि जो बातें दोनों पार्टीज बड़ी बड़ी पार्टी काला धन को समाप्त करने के लिए जो बातें करती है वो उनकी पोल खुल जाएगी कि जिनको समाप्त करने के लिए आप कह रहे हो उनसे ही आप लोग पैसा दे रहे हो, उन्हीं ले रहे हो और उन्हीं को आप बचा रहे हो बाद में आकर सत्ता में आने के बाद में, और उनके कमाई के रास्ते आप लोग खोल रहे हो और सारी सरकारी संपदाएं जो हैं उन पर जो इन लोगों का कब्जा होता जा रहा है वो सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि नंबर टू में चुनाव के लिए पैसा चाहिए होता है। बिना पैसे आज तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चल नहीं सकती, एक मामूली ऑफिस खोलने के लिए लाखों करोड़ में महीना खर्चा आता है, इतने बड़े बड़े ऑफिस भाजपा ने खोल लिए हैं, जगह और पार्टी के ऑफिस खुले हुए हैं, उनका स्टाफ का खर्चा वगैरह ये कहाँ से आएगा, ये सारे नंबर दो पे आएगा, क्योंकि लोगों का पॉलिटिकल पार्टी पर विश्वास खत्म हो गया, वरना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शायद अब इस पर लगाम लग सकेगी। लोढ़ा जी इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का फैसला इसमें लगता है और अब जब हिसाब देना पड़ेगा तो वो इन बातों का भी खुलासा होगा कि आखिरकार ये पैसा किन लोगों ने दिया है, किस वास्ते दिया है और वो क्या फायदा उठाना चाहते हैं। आपको लगता है जो चंदा देता है राजनीतिक पार्टियों को वो अपने अनुसार नीतियां चाहता है, अपने फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों पर दबाव भी बनाता है ताकि संविधान संशोधनों के संसद में इस विषय को उठा करके वो नीतियां निर्धारण में कहीं ना कहीं। नीरज जी मैं तो भविष्य की बात बाद में करूंगा, अतीत की बात करूंगा। चुनाव आने से 6 महीने पहले जो फैसले होने शुरू होते हैं वो फैसले इस दिशा में जाते हैं कि कौन चंदा देगा उसके हिसाब से फैसले कर लिए जाए, नीतियां बना ली जाए उसके हिसाब से, नक्शे से पास कर दिए जाए उसके हिसाब से, लोन सेंक्शन कर दें उसके हिसाब से, सब होना शुरू हो जाए। इसलिए कोई संस्था देश में होनी चाहिए जो इनको कोरिलेट करे कि आखिरी 6 महीने में जिन लोगों के पक्ष में फैसले किए गए, जिन क्षेत्रों में नीतियां बनाई गई इंप्लीमेंट की गई, जिन्हें रोका गया जिन्हें आगे बढ़ाया गया, कहीं वही लोग तो नहीं है चुनाव में चंदा देने वाले। और अगर ये है तो सीधे सीधे ये राजनीतिक रिश्वत है कि 6 महीने में आपने काम करा लिया उनसे, उसके बदले में आपने चुनाव में पैसा दे दिया। एक बात,
दूसरी बात, जब चुनाव आयोग के पास में नाम आ जाए, क्षेत्र आ जाए, मान लो एल्यूमिनियम की कंपनियों ने, लोहे की कंपनियों ने, सीमेंट कंपनियों ने पैसा दिया है, तो ये देखना चाहिए। रिमार्केबल बात यह है कि जिस वक्त चुनाव हो रहा है, इस वक्त सारी सीमेंट कंपनियों ने मेल मिलाप करके कट्टे पे पैसा बढ़ा दिया है, जनता लुट रही है, क्योंकि वो चंदा देके आ गए और अब 2 महीने कोई नहीं बोला, 2 महीने में सारा चंदा वसूल कर लेंगे वो। अल्टीमेटली जनता, आम जनता पिसती है, और जिस दिन जनता को ये पता लगेगा कि जिन सीमेंट कंपनियों ने कट्टे में पैसे बढ़ाए थे वही चंदा देकर आए थे राजनीतिक दल को या सत्तारूढ़ पार्टी को या विपक्ष को, जिसको भी, तब पता लगे जनता को। चुनाव आयोग को पता करना चाहिए इस बात को कि ये जो, लेकिन अब खुलासा हो सकेगा इस बात से? नहीं, चुनाव आयोग तक ही रहेगी जानकारी, वो जानकारी सार्वजनिक को तो पता लगे। लेकिन ये सार्वजनिक तो भी होगी, क्योंकि जब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है कि चुनाव आयोग के समक्ष रिपोर्ट पेश होगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले समय में इस बात को सार्वजनिक भी करना पड़े। आगे की बात है, वो आगे की बात है। फिलहाल तो उसमें, क्योंकि केंद्र सरकार तो नहीं चाहती थी कि ये चीज भी हो, ये फैसला भी हो। नहीं चाहती, और बिल्कुल कोई भी सत्तारूढ़ दल नहीं चाहेगा, क्योंकि जो सत्ता में होता है व्यवसायिक घराने, उसके पक्ष में ज्यादा चंदा देते हैं, ज्यादा उससे दबे हुए भी रहते हैं, ज्यादा उससे प्रभावित भी रहते हैं, और भविष्य की संभावना भी उसी के हिसाब से देखते हैं वो। इसलिए जो पिछले 6 महीने में हुआ, जो इस चुनाव के दौरान 2 महीने में बाजार में परिवर्तन आ रहा है, जो इसमें मुनाफा कमा रहे हैं 2 महीने में, कहीं वही तो लोग नहीं है जो कि बॉन्ड के जरिए चंदा देकर आए हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बंडार जी, एक बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पिछले सालों में देखा यह गया कि जो भी मौजूदा सरकार होती है, पिछले लास्ट के जो अंतिम 6 महीने में जो फैसले करती है, आने वाली सरकार उन फैसलों को बदल देती है। ये पिछले 3-4 बार से देखा जा रहा है, रिव्यू करती है, बदल देती है, रिव्यू करती है, और उन्हें संशोधन भी करती है। और देखा भी गया है कि कमोबेश कई फैसले उसमें बदल भी दिए जाते हैं, तो ऐसे में फिर लगता नहीं है जिन लोगों ने चंदा दे दिया उनके साथ तो कहीं ना कहीं धोखा हो गया? नहीं नहीं, रिव्यू की धमकी देते हैं, रिव्यू करते नहीं है, क्योंकि वो पार्टी फिर बाद में इनको भी पैसे देने लग जाती है तो वो शांति रहती है। दूसरी बार दिया चंदा राजस्थान में, हम देख रहे हैं कि उनका तो 6 महीने के अनुसार करेंगे रिव्यू, गले में घंटी बांधे कौन, ये दोनों पार्टी जी कहीं ना कहीं सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसका असर देखने को मिल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अहम जज भी इस तरह के फैसले लेते हैं जब उनका 3 महीने का कार्यकाल बचता है, 2 महीने का कार्यकाल बचता है, और कई फैसले से करते हैं। बात जजों की नहीं है, बात अधिकारियों की नहीं है, बात यह है कि जो सरकारें 6 महीने पहले जो निर्णय करती है, आने वाली सरकारें उन फैसलों को बदल भी देती है, तो फिर लगता है उसके बावजूद भी जो है चंदा देने वालों की भीड़ कम नहीं होती है। और आपने देखा भी है कि जिस तरह के एडीआर की रिपोर्ट है, जो सरकार सबसे कम शासन करती है वो सबसे अच्छी होती है। राजनीतिक कहावत है, दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न्स लीस्ट। आज की तारीख में सरकार सबसे ज़्यादा हावी रहने की कोशिश कर रही है समाज पर, हर चीज़ सरकार पर आश्रित हो जाए, सांस लेना भी आपका सरकार पर आश्रित हो जाए, ये चाहते हैं सत्तारूढ़ दल के लोग, कोई भी सत्ता में हो। इसलिए आम आदमी का जीना मरना, खाना पीना, रहना, रोटी कपड़ा मकान, सब सरकार पर निर्भर है। जो व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, उसका भी आप उपयोग तभी कर पाओगे जब सत्तारूढ़ दल या सत्तारूढ़ पार्टी या सरकार चाहेगी, वरना 100 तरह के कंटेलमेंट हैं उसमें। तो इसलिए आपके आगे बढ़ने के लिए सुविधाजनक रास्ता आपको मिलता जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी सत्ता में आए, सत्ताधीश आपकी बात को सुने, आपकी बात पे गौर करें, आपकी आंख के इशारे को समझें, आपकी ज़रूरत को समझें, और उसके अनुरूप नीतियाँ बनाते रहें, उसके अनुरूप फैसले लेते रहें, उसके अनुरूप आपको सुविधाएँ उपलब्ध कराते रहें। तो इसलिए इसी का दान प्रतिदान है, ये इस हाथ देते हैं उस हाथ लेते हैं, सब कोई ऐसे नहीं देता। मैं आपसे आज बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से जनता से। जब तक राजनीतिक चंदे को सार्वजनिक रूप से वैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक इस देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और जब तक इस तरह के चुनाव खर्च की सीमा को व्यवहारिक नहीं बनाया जाएगा, आप देखिए स्टार प्रचारकों की सूची आ गई, 40 स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारक का मतलब वो जाएगा सभा होगी तो उसका खर्चा कैंडिडेट खर्चे में शामिल नहीं होगा। स्टार प्रचारक हेलीकॉप्टर में आ रहा है, स्टार प्रचारक हवाई जहाज में आ रहा है, तो स्टार प्रचारक आ गया तो आपने भले पांडाल 10 लाख का बना दिया आप प्रत्याशी, तो दूसरा पीछे का दरवाजा हो गया, रास्ते निकाल लिए, गुप्त रास्ते निकाल लिए, मिले हुए सारे मिले हुए हैं इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल। अब एक रास्ता ये निकाल दिया आपने स्टार प्रचारक का। दूसरा, आज की तारीख में चुनाव आयोग कहता है पेड न्यूज,
सारे लोग जिस प्रत्याशी के पास कोई भी अखबार वाला जाए, कोई भी चैनल वाला जाए, कोई मीडिया कर्मी जाए, वो हाथ जोड़ लेता है कि साहब हमारा खर्च की लिमिट ये है, आपको देंगे चुनाव में विज्ञापन तो विज्ञापन के बदले हमको आप बिल दोगे चुनाव खर्च में दिखाना पड़ेगा। लोढ़ा जी बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप मीडिया के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना वास्तविकता ये, इसलिए फिर क्या करते हैं वो दर्शकों वो को कहते हैं हकीकत आप ले जाओ ये पैसा, आप ले जाओ ये पैसा, विज्ञापन मत दिखाना, मेरी सभाएं दिखा देना, मेरा लाइव टेलीकास्ट कर देना, मेरा ये कर देना, मेरा वो कर देना, या मेरा ये मत करना, ये चीज मत दिखाना, दोनों बातें बहुत दिवे। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ चैनल जो लगातार दिखा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने, अब हम किसी चैनल पर नहीं जाना चाहते, नाम ले रहे हैं तो नाम ले रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये गुप्त रास्ते निकाल लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी और चुनाव आयोग को भी कि ये तय करना चाहिए कि जो अधिस्वीकृत अखबार अधिस्वीकृत चैनल है इनको इस लिमिट तक विज्ञापन दिया जा सकता है, उस विज्ञापन खर्चे को चुनाव खर्च में शामिल नहीं किया जाएगा। सही बात, बहुत ही बात, सही बात। आप मीडिया को मजबूर कर रहे हो, कंपल्शन दे रहे हो कि मीडिया बेईमान बने, आप उसका एक लेजिटिमेट रास्ता निकालिए कि मीडिया को दिए गए विज्ञापन के इतने परसेंट तक खर्चा, मान लो आपका 1 करोड़ है वो चुनाव खर्च में शामिल नहीं, तो 10 लाख तक का आप खर्चा मीडिया पे कर सकते हो, वो चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा, तो 10 लाख का पैसा रुपया तो कम से कम विज्ञापन में ऑफिशियली ऑथेंटिकेटेड जाएगा, अब वो ऑथेंटिकेटेड जाएगा तो ऑफिशियल खर्च पैसा होगा, वो 1 नंबर का पैसा होगा। 2 नंबर की इकोनॉमी इसी जन्म लेती है कि हमने ऐसे बार खड़े कर दिए, ऐसी बाधाएं खड़ी कर दी जिन बाधाओं को पार करना मजबूरी होती है आदमी की, और उन बाधाओं को पार करते हुए आदमी डबल फॉल्ट करता है, सिंगल फॉल्ट नहीं करता, डबल फॉल्ट करता है, वो भी फॉल्ट करते हैं, मीडिया भी फॉल्ट करता है कि पैसा, वो तो पैसा देते ही मुट्ठी बंद करके, हम भी लेते हैं और लेने वाले लोग फिर उस तरह का प्रचार तंत्र का हिस्सा बन जाते हैं ताकि चुनाव खर्च, फिर चुनाव कहता है पेड न्यूज़ थी, पेड न्यूज़ थी, नोटिस देता रहता है। बहुत बड़ी और अहम बात आपने कही लोढ़ा जी, क्योंकि हम एक खुद चैनल है, उसके बावजूद हमने बात को स्वीकार किया कि किस तरह से दुरुपयोग होता है, और यदि सुप्रीम कोर्ट और तय कर दे कि ये चुनाव खर्च में मीडिया का खर्च शामिल नहीं होगा तो शायद कहीं कहीं पारदर्शिता बनी रहेगी और जो भ्रष्टाचार होता है उस पर भी कहीं कहीं लगाम लगेगी। भंडारी जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आपको लगता है कहीं न कहीं इससे बिल्कुल पारदर्शिता आएगी, राजनीतिक दलों के जो पैसा देने वाले लोग हैं उनका भी खुलासा हो सकेगा, और जिस तरह की जो बेमियाद खर्चे हो रहे हैं जिनका कोई और छोर नहीं है, चाहे पार्टियां कोई सी भी हो, सभी पार्टियां चुनाव में बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन जब दिखाने की बात आती है, जब रिपोर्ट सबमिट की जाती है तो पैसा बिल्कुल जो तय कर रखा है चुनाव आयोग ने 20 लाख, तो वो 18 लाख, 17 लाख, 15 लाख का ही पर्चा जाएगा वहाँ पे। नहीं नहीं, उससे भी कम, अगर 70 लाख है ना, मैं बताऊँगा आपको, देखेंगे अभी आप रिजल्ट के बाद में, 70 लाख रुपये खर्चा MP का है, आप दें 20-25 लाख से आगे कोई बढ़ता ही नहीं है, तो मैं एक तरफ से डिमांड करते हैं कि हमारा ये लिमिट बढ़ाइए और दूसरे वो खर्चा करते ही नहीं है। देखिए, व्यापारी आदमी पैसा तभी देता है जब उसको व्यापार में फ़ायदा होगा, तभी चंदा देता है कि मैं दूंगा, मुझे फ़ायदा होगा इसका। तो लोढ़ा साहब ने सही कहा है कि चैनल्स वगैरह में जो ऐड दिए जाते हैं, अगर वाकई इसको ना जोड़ा जाए तो उससे ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। जितना आप ये खुला करेंगे ना, मैं कह रहा हूँ, उतना ही आसान, जो हम जानते हैं कि चुनाव में 5-10 करोड़ खर्च करता है, तो आप करने दो ना, उनको दिक्कत क्या आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ करने दीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो आपको एक नया सुझाव देता हूँ, एक बहुत व्यवहारिक बात कहना चाहता हूँ आज इस मंच से, पूरे देश के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कंपनियों के लिए CSR कंपलसरी है, 2% आपके मुनाफे में से 2% पैसा आपको समाज की सेवा में लगाना पड़ेगा, ऐसे 2% चुनावी खर्च कर दिया जाए अनिवार्य, कि आपने 100 करोड़ कमाए तो 2 करोड़ का चंदा दे सकते हो आप, वो इनकम टैक्स से बाहर होगा। आप एक प्रोत्साहन दो कि CSR की तरह चुनावी खर्च भी 2% तक अलाउ किया जाएगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगेगा, तो सारी कंपनियां 1 नंबर में पैसा देना चाहती है, कोई 2 नंबर में काम नहीं करना चाहता देश में, क्यों, गला घुटता है उनका, दो नंबर में लेते हैं वो, फिर 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ लेके जाते हैं, 15 करोड़ लेके जाते हैं। जब एक सिस्टम तो बनाओ आप किस चीज़ का, आप आखिर 70 साल से डेमोक्रेसी चल रही है, हम सारी चीज़ें देख रहे हैं, इस अनुभव के बाद भी कोई रास्ते तय नहीं करेंगे क्या? इस भ्रष्टाचार को, 2 नंबर की इकोनॉमी को खत्म करने के नारे देते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन इसकी जो जननी है, जड़ है इसकी, राजनीतिक चंदा, चुनाव का चंदा, उसको रेगुलेट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा, उसको खत्म करने के लिए कोई प्रयास नहीं होता। भंडारी जी बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि यदि टैक्स में छूट दी जाए तो लोग खुलकर चंदा देंगे, क्योंकि जो आज जो छुपकर डरकर या गुमनाम से चंदा देते हैं, गुप्तदान करते थे, अब उस पर भी बैन लग गई, अब तो 50,000 भी कोई लेके जाएगा तो पकड़ा जाएगा, तो ये जो प्रक्रियाएं आ रही है उनसे भी कहीं ना कहीं निजात मिलेगी, और राजनीतिक पार्टियों पे जो लांछन लगते हैं उनको भी सफाई नहीं देनी पड़ेगी बार बार।
मैं यही कह रहा हूँ कि जो खर्चा कर रहे हो करने दो ना, एक बाहर तो आ रहा है पैसा, बाहर तो आ रहा है, कम से कम अंधा पड़ा हुआ पैसा बाहर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, इनकम टैक्स को अगर खत्म करके इंडायरेक्ट टैक्स बढ़ा जाए ना तो बहुत बढ़िया है, बहुत पैसा काम आ जाए। पर सवाल ये, हमारे यहाँ जब तक इंस्पेक्टर राज ना होगा तो नेता लोग पैसे कैसे कमाएंगे? इस प्रकार काम होते, ये काम करते ही ऐसे ही हैं ताकि उनको पैसा मिले। अगर आप ट्रांसपेरेंसी कर दोगे, बहुत आसान कर दोगे, तो आपको पैसा कौन देगा? कोई देना नहीं चाहता। ये तो सवाल यही है कि आप इस प्रकार के काम करें, ऐसी ट्रांसपेरेंसी करें ताकि जनता पॉलिटिकल पार्टी को आराम से मिले। और ये आप भी सही कह रहे थे कि उम्मीदवार के खर्चे में वो पैसा ऐड नहीं होता जो पार्टी खर्च करती है, जो सेंट्रल पार्टी खर्च करती है वो उम्मीदवार के खर्चे में नहीं होता। और वो दिल्ली से आते हैं सारा जो खर्च करते हैं ना, वो उसके अंदर नहीं होगा, वो ऐड करेंगे, वो उम्मीदवार खर्चे में जाएगा, वो पार्टी खर्चे में जाएगा। ये आखिरी बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये आखिरी बात ये है कि पार्टी टोटलिटी में देश में जितना खर्चा करे उसको उसके द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों से डिवाइड किया जाए और हर उम्मीदवार के खर्चे में उसको खर्चे को शामिल किया जाए। यही बात है, यही कहता हूँ। लेकिन कहीं लोढ़ा जी, क्योंकि अब समय बहुत कम है, मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को आप बताएंगे भी, क्या लगता है ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक है, इसका आने वाले समय में और ज़्यादा असर दिखेगा? जो कंपनियां अब तक कहीं कहीं गुप्त नाम से या गुमनाम रहकर भी चंदा देती थी, राजनीतिक पार्टियों को प्रोत्साहित करती थी, वो भी सार्वजनिक हो सकेगी और राजनीतिक पार्टियां भी सार्वजनिक हो सकेगी। आखिरकार उनके पास चंदा किन लोगों का आ रहा है? माफियाओं का तो नहीं आ रहा है, कहीं दूसरे लोगों का तो नहीं आ रहा है? तो इस पर तो कहीं कहीं से एक तरह से लगाम भी लगेगी, खुलासा भी हो सकेगा। देखिए, इतना पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये ऐसा पर्दा था, चिलमन से लगे बैठे थे, कॉरपोरेट घराने सब सामने आ जाएंगे अब। और ये जब सामने आएंगे, मैं कह रहा हूं कि ऐसी पारदर्शिता लाइए ना कि डरे नहीं आदमी। हाँ, मैंने दिया चंदा, और दिया है तो दिया है, लेकिन दिया है उसके लिए पर्पजफुल दिया है, उसके लिए इंप्लीकेशन क्या होंगे इस पर आदमी विचार करता है तो सारे भ्रष्टाचार शुरू होते हैं। जी बिल्कुल, आपने मुद्दाक्रम में हिस्सा लिया, आपने बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले से जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने वाले हैं वो भी बेनकाब हो सकेंगे, उनका खुलासा हो सकेगा। और आपने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि क्यों नहीं सरकार और सुप्रीम कोर्ट जो चंदा देने वाले लोग उनको टैक्स में रियायत दे तो शायद हो सकता है चंदा देने वालों की संख्या भी बढ़ेगी और राजनीतिक पार्टियों को भी चंदा अधिक मिल सकेगा। साथ ही विज्ञापन जो नीति है उसमें भी कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए, जिससे कि क्योंकि जो नेता है जो चुनाव लड़ता है उसके खर्चे में मीडिया के चुनाव प्रचार के प्लान को अलग से जोड़ दिया जाए तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं वो दिखाता कम है, वो सरकार के पास जो आंकड़े पेश करता है उनका कहीं उनसे लिंकअप नहीं होता है। सरकार ने, चुनाव आयोग ने जो सीमाएँ तय कर रखी है उन सीमाओं से कहीं बाहर जाकर प्रत्याशी चुनाव में बेतहा पैसा खर्च करते हैं लेकिन दिखाते बहुत कम है। तो ये जो भ्रष्टाचार का पैसा कहीं ना कहीं खप रहा है उस पर लगाम लग सकेगी। आप दोनों मुद्दाग्रह में पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे प्रधान संपादक अरिंद लोढ़ा जी और पीसी भंडारी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है, बड़ा फैसला है और इसका आने वाले समय में बहुत कुछ असर नजर आएगा। मुद्दाग्रह में आज के लिए इतना ही, ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।